इस वक्त मौजूद हैं जीसस एंड मेरी इंटर कॉलेज के प्रबंधक आनंद सैमसन जी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, नवाबगंज के ही रहने वाले डॉक्टर एम पी आर्य जो आपके बेहद करीबी हैं, वो विधायक बने हैं, क्या कहना चाहेंगे? इससे बड़ी खुशी की बात हम सब लोगों के लिए शायद कुछ भी नहीं हो सकती है कि बहुत ही अच्छे इंसान डॉक्टर एम पी आर्य ने इतनी अच्छी तरीके से अपने चुनाव को लड़ा और आज वो विजयी हुए हैं। हम सबके लिए बहुत गर्व का पल है और मैं अपने एमसीए स्कूल ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से डॉक्टर साहब को और उनकी पूरी टीम के लोगों को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनकी अगुवाई में ये नवाबगंज बहुत खूबसूरत नवाबगंज बनेगा। थैंक यू। लग रहा है नवाबगंज के रहने वाले हैं वो, तो नवाबगंज के लोगों को या नवाबगंज विधानसभा के लोगों के लिए बहुत आरामदायक होंगे, जब चाहेंगे तब उनसे मिल पाएंगे, लग रहा है आपको? मुझे तो ऐसा ही याद है कि जो भी विधायक अब तक रहे हैं वो बरेली में रहते थे, अब हमारे साथ रहेंगे। हम वैसे भी हमको रात में सोने नहीं देते थे हम लोग, अब तो हम और भी उन्हें परेशान करेंगे, जो भी परेशानी होगी हमारे साथ रहेंगे। और वो हमेशा से ही, अब तो विधायक बने अलग बात है, मगर हमेशा से ही बहुत ही नेक और अच्छे इंसान हैं और ये हम सबके लिए गौरव का विषय है कि डॉक्टर साहब हमारे क्षेत्र के विधायक बने हैं, नवाबगंज की को नई बुलंदियों पर लेके जाएंगे। नवाबगंज में कौन कौन सी बड़ी समस्याएं हैं जो आप चाहते हैं डॉक्टर साहब सबसे पहले उन्हें देखें? सबसे बड़ी समस्या नवाबगंज की सड़कों की स्थिति बहुत ख़राब है। लाइट की स्थिति पहले से काफ़ी बेहतर हुई है मगर वो भी अच्छी हो जाएगी। गलियों की स्थिति बहुत ख़राब है, हालांकि वो विधायक हैं मगर नगरपालिका का की भी दोनों लोग मिलके और अच्छा कर सकते हैं। गंदगी बहुत एक बड़ी समस्या है हमारे नवाबगंज में। नवाबगंज विधानसभा में चर्चा है कि डॉक्टर साहब स्वास्थ्य मंत्री भी बन सकते हैं, सहमत हैं आप इस बात से? बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये हो जाते ये तो हमारे नवाबगंज के लिए गौरव का विषय होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस सेवा को समझते हैं, उन्होंने किया है अब तक, और अगर पूरी प्रदेश की बागडोर उनके हाथ में आ जाएगी तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। वो इतने सक्षम हैं, उनका दिल हम लोग जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। आप मानते हैं नवाबगंज के अच्छे दिन आ गए हैं, नवाबगंज विकास कार्य जो है बहुत तेज़ी से होंगे? 100% नवाबगंज के अच्छे दिन हैं, ऐसे ही लोगों की राजनीति में ज़रूरत है। थैंक यू।